जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। घंटा भेल हमारा है, घंटा भेल हमारा है। सरकार हमने संघर्ष करो। देखिए, आज विधानसभा 192 जोबट से हमने नामांकन लिया है भारत आदिवासी पार्टी के सिंबल के लिए, और आज हम लोग जोबट विधानसभा के लिए नामांकन लेकर आने वाले समय में जो नामांकन भरेंगे उसकी भी आपको तारीख बता देंगे, और भारत आदिवासी पार्टी के नाम से हमने नामांकन लिया है। सोशल मीडिया पर कल आपके एक पूर्व विधायक माधव सिंह डावर के को लेकर वीडियो जारी हुए थे, क्या कहेंगे उसे लेकर, किस प्रकार की मीटिंग आपने की? देखिए, तमाम जिस प्रकार से जोबट के अंदर जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने सभी से मुलाकात करी कि हम सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें, और उसी को लेकर हम लोग उनसे भी मुलाकात करी थी, और अन्य भी जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों से भी मुलाकात करी कि हम लोग एक साथ मिलकर एक कैंडिडेट उतारे, उसी के लिए मिले थे, बाकी तो कुछ नहीं। कयास ऐसे भी लगा कर रहे, कहीं ना कहीं कहना लोगों का है कि भाजपा में आपने समर्थन दादा करा है या भाजपा का किया है? देखिए, लोगों का तो क्या है, कहते रहते हैं, अगर हम लोग कोई राजनीतिक दल का जो प्रत्याशी रहता है उससे मिलते हैं या उनके साथ बैठकर उनसे वार्तालाप करते हैं या उनको समर्थन देते हैं तो समर्थन दिया किया जाता है। अगर जो लोग लड़ने को इच्छुक है या बाद में नहीं लड़ना चाहते हैं, उनसे चुनाव लड़ना है तो उनसे समर्थक तो चाहिए ना। चुनाव लड़ने के लिए हम सबको सहयोग चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से चुनाव नहीं जीता जाता है, तमाम जोबट की जितनी जनता है सभी से हम लोगों को सहयोग चाहिए, तो हम लोग सभी से मुलाकात करेंगे। क्या बीजेपी अगर माधो सिंह डावर को टिकट देती है तो आपका संगठन उनकी सहायता करेगा, सहयोग करेगा कि नहीं? देखिए, बीजेपी और माधो सिंह जी का खुद का अलग एजेंडा है, हम भारत आदिवासी पार्टी किससे चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब वो उनको टिकट देती नहीं देती वो तो उनके पार्टी का मसला है, और हम लोग चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं और चुनाव लड़ने के लिए फार्म लिया है, हम किसी के समर्थन में कि किसी को टिकट मिली ना मिली उससे हमें कोई लेन देना नहीं है। जिस प्रकार से आपने नामांकन फॉर्म लिया है उसके बाद आपको किस प्रकार का महसूस हो रहा है? आपके सामने एक निर्दलीय उम्मीदवार सुपर अजना रहे और पार्टी से दो प्रत्याशी सामने मौजूद अभी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए सभी लोग स्वतंत्र है, जिसको चुनाव लड़ना वो लड़ सकता है, लेकिन मुझे मेरे जोबट की जनता पर पूरा विश्वास है और वो भरपूर मुझे आशीर्वाद देंगे और निश्चित ही मैं यहाँ से चुनाव जीतूंगा। कितने वोटों से आप जीत का दावा करते हैं अपनी पार्टी? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी, आज आपने देखा होगा भारत आदिवासी पार्टी जो आदिवासियों के लिए बनी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जोबट की जनता पर कि पूरा मुझे आशीर्वाद देंगे और हम हजारों मतों से यहां पर जीतकर विधानसभा में जाएंगे।